तो ब्रेक के बाद का फिर चलेंगे खबरों की ओर, बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां पर भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही हूं, लेकिन वहीं दूसरी ओर टीकमगढ़ के भाजपा विधायक राकेश गिरी के छोटे भाई अवैध रूप से मुरम का खनन करा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन मूर्तश बनकर बैठा हुआ है और मामला टीकमगढ़ के पास स्थित टीचिंग ग्राउंड के सामने स्थित जमीन का है। इस सरकार ने जमीन की कोई लीज न होने के बावजूद भी यहां धड़ल्ले से अवैध मुरम का कारोबार जारी है। वहीं दिन हो या फिर रात, शहर में अवैध मुरम से भरे वाहनों का परिवहन शहर से होता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन यह जानकारी होने के बावजूद भी अपनी पोस्टिंग के डर से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और एक चल रही जो हल्की है जीसीबी, वो चल रही नीरज यादव बैकुंठी वाली की। ये सरकारी काम के लिए जा रही है? अवैध नहीं, अवैध सर। वेयर हाउस खोजा यहाँ साहू का, वेयर हाउस खोजा। कौन कौन है ये राकेश गिरी? राकेश गिरी है अपने विधायक। अच्छा, वो करा रहे हैं? हाँ, वो करा रहे हैं। ये एलएलडी चल रही है गोलू महाराज की। क्या खोद रहा जी? मिट्टी लाने जा रहे हैं वेयर हाउस पर। कौन करा रहा? जे राकेश गिरी के भज्जा गोलू। कौन है ये राकेश? विधायक जी। टीकमगढ़ के किसानों द्वारा जानकारी मिली है कि टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन चल रहा है, और ये भी जानकारी मिली है कि ये उत्खनन वहां के विधायक द्वारा करवाया जा रहा है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी इसके खिलाफ कुछ करेंगे? और टीकमगढ़ का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या वो नींद में है? तो इसी खबर पर हमारे साथ टीकमगढ़ संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला किस तरीके का है और अभी तक किन किन लोगों को, अधिकारियों को शिकायत जा चुकी है? देखिए अनन्या, टीकमगढ़ के हम बात कर रहे हैं, टेंचिंग ग्राउंड के ठीक सामने जो साथ की भूमि है वहाँ का ये मामला है। वहाँ पे लंबे समय से अवैध जो मुरम का काम है वो चल रहा है, और ये आरोप जिनके ऊपर है वो क्षेत्रीय विधायक जो राकेश गिरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई छोटे यशराज गिरी हैं, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोपों के साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति हैं वहाँ के आसपास के किसान हैं, उन्होंने लिखित शिकायत भी जिला प्रशासन से की है। इसके साथ ही 181 पे भी शिकायत की है, किंतु उसके बावजूद भी ये अवैध उत्खनन जो है वहां से नहीं रुक रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से खनन माफिया हो या भू माफिया हो, इनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, माफिया राज समाप्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक राकेश गिरी के जो भाई हैं यशराज गिरी और गोरू गिरी, वो लगातार यहाँ पर अवैध कामों में संलिप्तता उनकी देखी जा रही है। टीकमगढ़ में जो अवैध मुरम का कारोबार चल रहा है उनके ऊपर आरोप है कि वह ये कारोबार करा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर आरोप है, और ये विराट समस्या है टीकमगढ़ की, कि जो प्रजापति समाज देखने में आता था कि ये मुरम का काम करती थी और इससे वो अपना रोजगार चलाते थे, कहीं ना कहीं ये माफियाओं के हाथ में मुरम का काम जाने से जो प्रजापति समाज के लोग हैं वे रोजगार बेरोजगार हो चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई का जी आमिर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री किरण अहिरवार फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला जो है वो किस तरीके का है और क्या शिकायतें हैं यहाँ पर? देखिए, मुझे कुछ दिन पहले किसानों द्वारा ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर काफी दिनों से अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इसके बारे में मैंने इसको संज्ञान में लेकर के, और मैं चाहती हूँ कि इसमें, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भू माफिया के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। और ये क्योंकि ये भूस्खलन जो हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत लगातार हो रहा है, काफी दिनों से हो रहा है, पूरा दिन दिन भर वहां से ट्रक भर के, ट्रॉलियां भर के जाती हैं, और गैर कानूनी तो है ही, साथ में ये पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह जी। तो किरण जी, आपकी मांगे क्या है इस अवैध खनन के खिलाफ? सीएम से आपकी मांग क्या है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसके पहले कोई शिकायत नहीं की गई अधिकारियों से? देखिए, ये किसानों का कहना है कि ये बात उन्होंने प्रशासन को भी बताई थी और उनके संज्ञान में भी होगा,
और मेरी मांग तो यही है मुख्यमंत्री जी से कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। जी धन्यवाद किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ आमिर अभी भी बने हुए हैं, मैं संवाददाता टीकमगढ़ से। आमिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे परिवहन में जो अधिकारी हैं उनका जवाब क्या है। देखिए अनन्या, अगर हम इस मामले की बात करें जिस तरीके से ये अवैध उत्खनन टीकमगढ़ में चल रहा है, अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का कार्रवाई की ओर कोई भी रुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये अवैध उत्खनन, क्योंकि शहर से रोजाना 50 से 60 डंपर निकलना, शहर के बीच से इस मुरम को बेचा जाता है, जो प्लाटिंग चल रही है वहां इसकी जो मुरम है उससे पुराई की जा रही है, साथ ही वेयर हाउस की पुराई की जा रही है। तो जानकारी की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरीके से इसकी जानकारी है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे तो विधायक के भाई का ये कारोबार है, उनकी हनक के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन नतमस्तक है और किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको पोस्टिंग का भी डर है, तबादला का भी डर है। हो सकता है अगर वह कार्रवाई करें तो विधायक जी उनकी ऊपर लेवल शिकायत करेंगे, उनका तबादला हो जाए, तो कहीं ना कहीं तबादले के डर से अधिकारी इनके जो अवैध कारोबार चल रहे हैं विधायक के भाई उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। अनन्या इस पूरे मामले पर विधायक का क्या कहना है? देखिए विधायक से अगर हम बात करेंगे इस संबंध में बात करने की कोशिश, उनका साफ तौर पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और ये कहा भी जाता है जब जिसके ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि गंभीर मामला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके ही मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनसे जब इनका पक्ष जानेंगे तो साफ तौर पर वो इनकार करते नजर आते हैं कि इस तरीके का कारोबार उनके भाई या उनके जरिए नहीं किया जा रहा है। अनन्या जी धन्यवाद आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो आपको खबर बता रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां पर अवैध परिवहन जो है हो रहा है और इसके ऊपर कई सारे अधिकारी शिकायत की गई है, लेकिन आरोप जो है वहां पर विधायक पर ही है कि विधायक के संरक्षण में जो है यहां पर माफिया खनन कर रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों से हर पल जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनएन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।